ये वो लोग हैं जिन्होंने 5 साल आपको याद नहीं किया, अब अचानक उनको याद आया है। मुझे शक है, बाकी हकीकत क्या है वो यही बेहतर जानते हैं। इस रेजोल्यूशन पे भी जो तब्दीली आई इनके इनके सोच में, वो इसी यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप का नतीजा है, यही एक जो फेसबुक पे लिखने वालों के कमेंट्स का नतीजा है। अल्लाह का शुक्र है, मैं ट्विटर पर लिखता बहुत कुछ हूं लेकिन पढ़ता बिल्कुल नहीं, फेसबुक देखने की मुझे बिल्कुल आदत नहीं है, और व्हाट्सएप के हवाले से मैं कभी अपने वालिद साहब से सुनता हूं बाकी और नहीं। तो मैं तो कम से कम जम्मू कश्मीर के आवाम को यह यकीन दिलाना चाहूंगा कि हमारा एजेंडा कोई व्हाट्सएप ट्विटर फिटर फेसबुक वाले तय नहीं करेंगे, हमारा एजेंडा जम्मू कश्मीर की आवाम तय करेगी। लेकिन सिर्फ ये रेजोल्यूशन नहीं है जो हमने किया, बेशक हमें अभी महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन यहां खासकर जो विंटर जोन है, कश्मीर पीर पंजाल का हिस्सा, चिनाब का हिस्सा, वहां के बच्चों का बच्चियों का पेरेंट्स एक बहुत बड़ी मांग थी कि इम्तिहान का टाइम टेबल जो है वो चेंज किया जाए, मार्च के सेशन के बजाय नवंबर में इलेक्शन इनके इम्तिहान होने चाहिए। ये भी अगर आप देखें तो 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह हमें डिसएम्पावर किया गया, ये भी हमारी डिसएम्पावरमेंट का ही एक नतीजा है कि इम्तिहान का शेड्यूल भी मां बाप और बच्चे बच्चियों की मर्जी के बिना तय किया गया। मैं शुक्रगुजार हूं मिनिस्टर साहिबा का कि जिम्मेदारी संभालने के फौरन बाद उन्होंने इसमें रिव्यू की मीटिंगें ली, काबिना के सामने प्रपोजल लाया और हमने दोबारा इन इलाकों में नवंबर का सेशन जो है उसके लिए ऑर्डर जारी किए। इसी तरह रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें भी तेजी आएगी। यहां कुछ ऑनरेबल मेंबरों की तरफ से कुछ मशवरे दिए गए जिनको आगे जाके हम देख लेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खुतबे में जो बिजली को लेके हमारे वादे हैं लोगों के साथ उसका जिक्र हुआ है, उसको भी जल्दी अमली जामा पहना के लोगों के सामने जो है एक ऐलान के तौर पे हम रखेंगे। मेरे नौजवान मिनिस्टर ने अभी अभी हाउस को अशोर किया है आपके जरिए कि जो गैस सिलेंडर देने का और राशन स्केल को बढ़ाने का जो वादा है लोगों के साथ, उसको भी बहुत जल्दी एक ऐलान के तौर पे लोगों के सामने रखा जाएगा। स्पीकर साहब, हम एक यूनियन टेरिटरी है, बहुत सी जिम्मेदारियां इलेक्टेड हुकूमत के हवाले की गई हैं, लेकिन एक अहम जिम्मेदारी यहां के हालात को साजगार रखने का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, मिलिटेंसी टेरर वायलेंस के खिलाफ पॉलिसी स्कीम और एक डायरेक्शन देने का, वो इख्तियार इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं है।
लेकिन हालात एक वैक्यूम में नॉर्मलाइज नहीं किए जा सकते। इलेक्टेड गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एडमिनिस्ट्रेशन का इस मामले में करीबी तालमेल है, किसी को भी इस शक में नहीं रहना चाहिए कि इलेक्टेड गवर्नमेंट और पुलिस के दरमियान किसी तरह की रसाकशी है या किसी तरह का कंफ्यूजन है। मैं पुलिस, बिलखसूस अपने जम्मू कश्मीर पुलिस, बल्कि यहां बाकी जो सेंट्रल फोर्सेस हैं और जो सिक्योरिटी के बाकी फोर्सेस हैं, उनको अश्योर करना चाहता हूं कि हालात को नॉर्मल रखने में और यहां अमन कायम करने में हमारी हुकूमत पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। अमन ना हो तो बाकी काम भी रुक जाते हैं। मुझसे बेहतर तो आप ये जानते हैं, मुश्किल दौर में आप 96 के बाद यहां मिनिस्टर रहे। आप जानते हो कि जब हालात खराब हो जाते हैं बाकी काम करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम जम्मू कश्मीर में हालात ठीक रखें, ताकि जो हमने डेवलपमेंट को लेके, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को लेके यहां एक तरक्की का नया दौर शुरू करने का जो हमने लोगों के साथ वादा किया है उसको हम पूरा कर सके। लेकिन और ये मेरे एक साथी ने आज, मैं सुबह उनकी जब तस्वीर सुन रहा था तो ये बात उन्होंने भी किया एक अलग अंदाज में, हालात साजगार रखने के दो तरीके हैं। या तो आप लोगों को डरा धमका के, पकड़ धकड़, गिरफ्तारियां तंग करके, सता के कुछ हद तक आप हालात थोड़े ठीक रख सकते हो, लेकिन वो सिर्फ एक अनसेटल्ड काम, एक अननेचुरल काम, जो आज है शायद कल ना। दूसरी तरफ से आप हालात ठीक रख सकते हो लोगों के ताउन के साथ, लोगों की कोऑपरेशन के साथ। इसमें लोग जो है वो, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, पार्टनर्स इन पीस, अमन को कायम रखने में हमारे साथी बन जाते हैं। मैं जम्मू कश्मीर में वो दौर देखना चाहता हूं। और इस हवाले से कई सारे यहां ऑनरेबल मेंबरों ने अपनी तकरीरों में जिक्र किया, बदकिस्मती से आज वो इख्तियारात हमारे पास है नहीं। लेकिन मैंने तब भी जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरों के साथ इन मामलों पर बात की है, जिस तरह हाईवे के हवाले से आप लोगों ने बात की। आम लोगों को हाईवे पे चलना कितना मुश्किल लगता है जब फौज की गाड़ियां या सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां चलती हैं। मैंने उनसे कहा है कि कोई हमें ऐसा तौर तरीका देखना होगा जिससे कि उनकी भी हिफाजत बनी रहे, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की, लेकिन लोगों की भी परेशानी कम। सीआईडी वेरिफिकेशन के हवाले से बदकिस्मती से इस सीआईडी वेरिफिकेशन को कुछ वक्त के लिए, मैं अंग्रेजी लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, इट वॉज वेपनाइज, उसको एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। पासपोर्ट वेरिफिकेशन, गवर्नमेंट जॉब वेरिफिकेशन, ये बाकी चीजें जान बूझ के उसको इस्तेमाल किया गया लोगों को तंग करने के लिए, बजाय के लोगों के दिल जीतने के लिए। इसमें भी कोशिश की जा रही है कि कुछ हद तक एक नरम रवैया जो है
वो अपनाया जाए ताकि लोगों को इसमें भी थोड़ी सी राहत महसूस हो। गिरफ्तारियों के सिलसिले में भी मैंने तो बार बार कहा है और मैं मान के चलता हूं कि जिन लोगों के खिलाफ सीरियस केसेस दर्ज नहीं किए गए हैं या जिनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम नहीं हुए, उनके बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए, लेकिन वो हमारे दायरे इख्तियार में है नहीं। इंशाल्लाह होगा और जब होगा तो जरूर इस पे और तेजी से हम अमल करेंगे। स्पीकर साहब, ये वो असेंबली नहीं है जो असेंबली हम चाहते हैं। मैं पावर्स के हवाले से बात कर रहा हूं। ये वो असेंबली नहीं है जो हम चाहते हैं, ये वो असेंबली नहीं है जिस असेंबली का हम हक रखते हैं, लेकिन ये असेंबली वो जरिया है वहां तक पहुंचने का। जम्मू कश्मीर दोबारा रियासत बने और एक फुल फ्लेज रियासत बने, कोई मतलब ये क्या कहते हैं वो हाइब्रिड मॉडल वो नहीं, उसका तो वादा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मुल्क के वजीर आजम साहब ने किया है, बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस मिलेगा। मैं एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रगुजार हूं, कैबिनेट ने जो रेजोल्यूशन पास किया, जो एलजी साहब ने फिर हमें वापस किया, उसको मैं दिल्ली ले गया, मैंने उसकी कॉपी वजीर आजम साहब को सौंपी, उसके साथ अपना डीओ लेटर जोड़ा। फिर आप जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादा किया गया है फुल स्टेटहुड का, उसको फौरी तौर पर पूरा किया जाना चाहिए। और मेरी मीटिंग है जो है बड़ी कामयाब रही, चाहे वो होम मिनिस्टर साहब के साथ हो या प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत बनाने का जो प्रोसेस शुरू होना है वो हो जाएगा। मेरी दिल्ली की मीटिंगों को लेके कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया, कोई नहीं, आप ठीक है, मुझे नतीजों से गर्व है। मैं दिल्ली में पावर मिनिस्टर से मिला, उन्होंने फौरी तौर जम्मू कश्मीर के लिए 300 मेगावाट एडिशनल पावर सर्दियों के लिए सैंक्शन किया ताकि यहां पावर के कट्स जो हैं वो कम हो जाए। मैं ऑनरेबल सर्फिस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से मिला, बाकी हाईवेज के हवाले से जब वो आएंगे वो खुद ऐलान करेंगे, लेकिन उन्होंने एक खसूसी फाइनेंशियल पैकेज बजट से हटकर हमें स्टेट सेक्टर में ब्रिजेस को कंप्लीट करने के लिए दिया है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसी तरह मेरा इरादा है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से मिलने का और बाकी से, ताकि जितना हम जम्मू कश्मीर के लिए फिलहाल हासिल कर सके हम कर लें। हमें इज्जत से रहने का हक है स्पीकर साहब, ये रियासत की मांग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आखिरकार हमारी शनाख्त, पहचान, हमारा वजूद, हमारा विकार, कहीं ना कहीं हमें लगा कि इन चीजों को जख्म पहुंचा और इन पर मरहम लगाने के लिए रियासत का दर्जा हासिल करना एक शुरुआत है। लेकिन इसके साथ साथ
बाकी रियासतों की तरह हमारी जमीन पे हमारा अपना हक होना चाहिए, हमारे रोजगार पे हमारा अपना हक होना चाहिए, हमारी रिसोर्सेस पे हमारा अपना हक होना चाहिए। हमें बाहर के इन्वेस्टर्स से कोई गिला नहीं है, शौक से आइए करिए इन्वेस्ट, लेकिन जो चीजें यहां के लोगों की मेहनत के नतीजा है, उनकी टैक्स का नतीजा है, जो हमने एसेट्स बनाए हैं, उनको हम बेचने के लिए तैयार नहीं है स्पीकर साहब, वो हम दूसरों के हवाले नहीं करेंगे। यहां कुछ लोगों को गलतफहमी है कि हम गुलमर्ग या पहलगाम बेचने वाले हैं, वो इस गलतफहमी से बाहर आए। हम अपने क्राउन जूल्स, अपने एसेट्स को बेचने के लिए तैयार नहीं है। आप बाहर से आके यहां इन्वेस्ट करना चाहें, नया बनाना चाहें, शौक से करिए, लेकिन अगर आपको यह लगता है कि हमारी बनाई हुई चीजें आप सस्ती कीमत पे खरीदते खुद अमीर हो जाएं और हमारे लोग जो हैं वो बेरोजगार बने, वो गरीब रहें, उस बात की इजाजत जो है हम कभी नहीं देंगे स्पीकर साहब, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। हमारे इरादे सही हैं, हम वादाबंद हैं कि जो हमने इलेक्शन के दौरान अपने आवाम से, जम्मू कश्मीर के लोगों से, अपने वोटरों से वादे किए, हम उन वादों पर कायम रहेंगे और इंशाल्लाह उनको पूरा करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का खुतबा एक छोटा सा एक रोड मैप था, एक नक्शा था, इससे कहीं गुना ज्यादा हम जम्मू कश्मीर के लिए करके रहेंगे। हमें लोगों का एतमाद हासिल हुआ है, इस एतमाद को स्पीकर साहब हम कभी भी जाया होने नहीं देंगे। आखिर में इस शहर के साथ मैं आपसे इजाजत लूंगा, जिसको तूफान से उलझने की हो आदत मौसम, जिसको तूफान से उलझने की आदत हो मौसम, ऐसी कश्ती को समुंदर भी दुआ देता है। इन अल्फाजों के साथ जनाब स्पीकर साहब, मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का उनके खुतबे के लिए शुक्रिया करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हाउस से उसको जो है पास करने की जो है वोट मांगे। शुक्रिया।